दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निकल गाइड में। और आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ रिव्यू टीपी लिंक N300 मिनी वायरलेस वाईफाई यूएसबी अडेप्टर का रिव्यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके परफॉर्मेंस के बारे में, क्या ये लेना सही है, वर्थ करता है पैसा, और वाईफाई का जो यूएसबी अडेप्टर है उसमें क्या ये सही वाला मॉडल है या नहीं, और क्या ये ढंग से काम करता है। पीसीआई कार्ड्स भी आते हैं वाईफाई के, तो उसके कंपैरिजन में ये कैसी परफॉर्मेंस देता है, और कौन सा, अगर आप कोई वाईफाई यूएसबी अडेप्टर ढूंढ रहे हो या बाय करना चाहते हो तो पीसीआई वाला लेना है या ये वाला, क्योंकि मैं इसको 4-5 दिन से रिव्यू यूज़ कर चुका हूँ, तो इसका रिव्यू अब मेरे लिए ईजी होगा देने में। और मैंने इस पर गेमिंग भी की है, इसी वाईफाई अडेप्टर को यूज़ करके मैंने गेमिंग की है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसका करने वाला हूँ एक फुल डिटेल रिव्यू। मैं बताऊंगा इसके परफॉर्मेंस के बारे में, इसके नेटवर्क स्पीड के बारे में, कोई हमें ड्रॉप्स मिलते हैं या नहीं, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और जो भी लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप वहाँ से कुछ भी परचेस करोगे तो चैनल को यहाँ पर हेल्प मिलेगी, जिससे मैं आपको और भी क्वालिटी कंटेंट दे पाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और करते हैं टीपी लिंक N300 मिनी का रिव्यू। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका मॉडल नेम बता देता हूँ। इसका मॉडल नेम है टीपी लिंक, और टीपी लिंक का है ये टीपी लिंक N300 मिनी के नाम से ये अमेज़ॉन पर मिलता है और फ्लिपकार्ट दोनों जगह पे ही मिलता है, सेम रेट पे मिलता है ऑलमोस्ट, क्योंकि इसके जो सेलर है वो ऑफिशियल टीपी लिंक वाले ही है, तो इसलिए सब जगह पे इसके रेट सेम है, ज़्यादा नहीं मिलते। और हाँ, आप सही सेलर से लोगे तो आपको सही रेट में भी मिल जाएगा। और अगर जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे कैबिनेट में ये पहले से लगा हुआ है N300 मिनी, और मैंने उसको अपने पर्सनल इसके बारे में रिसर्च करके और बहुत सोच समझ के लिया है, तो अच्छा ही होगा अगर मैं सोच समझ के लिया ही है, लेकिन फिर भी कुछ कमी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो इसलिए मैं इसका एक रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको भी पता लग जाए कि अगर आप कुछ भी लेना चाहते हो वाईफाई यूएसबी अडैप्टर तो कौन सा लेना है। तो इसका मॉडल नेम तो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब सपोर्ट की बात करें तो कौन से ओएस ये सपोर्ट करता है, तो ये विंडोज़ सपोर्ट करता है, लिनक्स सपोर्ट करता है, और मैक ओएस एक्स सपोर्ट करता है। ये लेटेस्ट कैटलिना मैक ओएस और उसके पहले वाले मोहावे वो सब सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि उसमें शायद ब्रॉडकॉम का ही वाईफाई वो सपोर्ट करता है, टीपी लिंक का शायद नहीं करता, इसलिए वहाँ का सपोर्ट नहीं है मैक ओएस का। तो जो मैक ओएस है वो फ़िलहाल जो बॉक्स में मेंशन किया गया है वो मैक ओएस एक्स के बारे में है। ड्राइवर पेज में आप टीपी लिंक के चेक भी कर सकते हो कि मैक ओएस कैटलिना सपोर्ट करता है नहीं, और मैं चेक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपडेट कर दूंगा कि मैक ओएस के रीसेंट लेटेस्ट वर्जन सपोर्ट करता है या नहीं। तो कोई भी बंदा जब वाईफाई यूएसबी अडैप्टर लेता है तो उसकी रेंज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और इसकी कनेक्टिविटी कैसी है। तो इसकी रेंज की बात करें तो रेंज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रेंज 7 मीटर्स तक ईजिली यहाँ पर आपको कोई भी कनेक्शन लॉस नहीं मिलेगा, 7 मीटर्स तक, अप टू 7 मीटर्स एकदम, और 7 मीटर्स एरिया में विद फुल क्लियरेंस होना चाहिए, कोई भी 7 मीटर के बीच में कोई बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए, एकदम सीधा रास्ता साफ होना चाहिए 7 मीटर्स तक, तो उसमें आपको कोई भी कनेक्शन की इश्यूज नहीं आएगी। और 7 मीटर्स तक मैं बोलूँ एवरेज निकालो तो 5 मीटर तक आपको यहाँ पे कोई भी इशू नहीं मिलेगा, एकदम स्ट्रेट में, सर्कुलर रेंज में नहीं, स्ट्रेट रेंज में मैं बोलूँ तो 5 मीटर तक आपको यहाँ पे कोई भी इशू देखने को नहीं मिलने वाला, और ना ही कोई भी कनेक्टिविटी इशूज़ या लॉस नहीं होने वाला 5 मीटर एवरेज पे। अच्छा, अगर आपको रेंज बढ़ानी है तो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप मदरबोर्ड के यूएसबी पोर्ट में लगाओगे, जो कि, और उसके पीछे दीवार है, जैसे मेरा सेटअप है और सबके सेटअप में ऐसा ही होता है, पीछे वॉल आ जाती है मदरबोर्ड के पीछे, जो अपना कैबिनेट है उसके पीछे वॉल होती है, तो उससे जो कनेक्शन है वो सर्कल, जो कनेक्शन होता है वो हमेशा सर्कुलर पैटर्न में होता है, तो इसका जो है वो जो आधा कनेक्शन तो लॉस हो जाएगा, और प्लस बीच में मॉनिटर आ जाएगा जो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे जो कनेक्शन है उसको अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया है, जो फ्रंट पैनल है कैबिनेट का उसके यूएसबी 3.0 वाले पोर्ट में मैंने इस टीपी लिंक यूएसबी अडैप्टर को लगा दिया है, और वहीं से यूज़ कर रहा हूँ 4-5 दिनों से, कोई भी इशू नहीं आ रहा। तो मैं रेकमेंड करूँगा, कनेक्टिविटी अच्छे रखनी है अगर आपको तो आप इसके इसको अपने कैबिनेट के फ्रंट पैनल वाले यूएसबी 3.0 हब में लगाओ, यूएसबी 3.0 नहीं है तो यूएसबी 2.0 में लगा सकते हो, लेकिन फ्रंट पैनल में ही लगाना अगर आपको कोई भी कनेक्शन लॉस नहीं चाहिए, और अगर आपके कैबिनेट के पीछे एक वॉल आ जाती है जिससे कनेक्शन
आधा रुक सकता है पूरा। दोस्तों ये हॉटस्पॉट भी सपोर्ट करता है और इसके मदद से आप यहाँ पे हॉटस्पॉट भी एनेबल कर सकते हो और ये डिवाइस है हॉटस्पॉट की तरह काम करेगा, तो हॉटस्पॉट का भी यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। इसमें आपको WPS बटन मिल जाता है। WPS बटन होता है कि आप बिना पासवर्ड के कुछ लिमिटेड टाइम तक कनेक्ट कर सकते हो बिना किसी पासवर्ड के। अब इसकी स्पीड की बात करें तो ये सपोर्ट करता है 300 Mbps, छोटा वाला बी है यहाँ पे, और 300 MB छोटा वाला बी है Mbps मेगाबिट्स पर सेकेंड, तो उसको MB बड़ा वाला बी मेगाबाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 300 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको अभी करके बताता हूँ। हाँ, तो 300 को 8 से डिवाइड करने के बाद इसकी जो स्पीड आती है मेगाबाइट्स में वो आती है 37 मेगाबाइट्स, तो मेरे ख्याल से बहुत इनफ है और किसी भी 150 वाले से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 150 वाले से बहुत ही सही है। जो एक टीपी लिंक का भी आता है 499 का, वो तो बकवास है, वो लेना भी मत, क्योंकि उसमें आपको हॉटस्पॉट भी नहीं मिलेगा और उसकी जो साइज़ है उसका वो बहुत छोटा है, तो मुझे नहीं पता वो कैसी कनेक्टिविटी देगा, क्योंकि इतने छोटे साइज़ में बहुत ही मुश्किल है एक अच्छी रेंज आना, और कितने टाइम तक ये अच्छी रेंज दे पाएगा उसका भी कोई गारंटी नहीं, तो इसलिए मैंने मिनी वर्जन लिया। और जो मिनी वर्जन की कॉस्ट है एकदम छोटे वाले से जो आता है 499 का, और इसकी कॉस्ट है सिर्फ 50 से 60 रुपीज़ का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, या मैक्स टू मैक्स 80 रुपीज़ तक का आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो मेरे ख्याल से एकदम सही है। आप सिर्फ 50 से 80 रुपीज़ तक डाल के एक अच्छा मिनी वर्जन ले लो जो हॉटस्पॉट भी सपोर्ट करता है, जिसमें अंदर आपको एक LED इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, और जो यहाँ पे कनेक्शन भी लॉन्ग टाइम तक अच्छी खासी दे देता है और विद अच्छी खासी डबल स्पीड में। अगर गेमिंग की बात करूँ तो मैंने इसमें CSGO खेला है मैक्स टू मैक्स 4-5 दिन में, बहुत बार CSGO खेला है इसमें, और डेली की बात करूँ तो 2 घंटा मैंने इसमें टेस्ट किया है। कोई भी मुझे गेमिंग के वक्त कोई भी कनेक्शन में कोई भी इश्यूज़ नहीं आया जो CSGO है उसमें, ना पिंग मुझे ऐसा नहीं हुआ कि हाँ हर 2-3 मिनट में या हर 5 मिनट में पिंग स्पाइक मार रही है, ऐसा भी यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आया। स्पीड की बात करें तो मुझे जो पिंग है वो बहुत अच्छी खासी मिली, 50 मिली सेकेंड्स के नीचे ही हमेशा मेरी पिंग थी। तो अगर आप इसको गेमिंग के लिए भी लेना चाहते हो जैसे CSGO या PUBG या GTA 5, तो मेरे ख्याल से ले सकते हो। GTA 5 के लिए तो मैं टेस्ट नहीं किया, लेकिन अगर CSGO में इतना अच्छा काम कर रहा है तो ये GTA 5 में भी अच्छा खासा काम करेगा अगर आपके पास और ज़्यादा स्पीड वाला कनेक्शन है। मैं तो जियो का हॉटस्पॉट यूज़ कर रहा था। अगर आपके पास 300 Mbps वाला प्लान भी है तो भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आपको यहाँ पे अच्छी खासी स्पीड और गेमिंग में कोई भी इश्यूज़ नहीं आने वाले। जो ऑनलाइन गेमिंग है उसमें तो कोई भी इश्यूज़ नहीं आने वाला, ना पिंग से रिलेटेड, ना कोई भी फ्रीज या कुछ भी स्पाइक या पैकेट लॉस कुछ भी यहाँ पे नहीं देखने को मिला मुझे मेरे टेस्टिंग में। मेरे टेस्टिंग पीरियड में कोई भी नेटवर्क ड्रॉप्स देखने को नहीं मिला, ना कोई भी कनेक्टिविटी इश्यूज या कनेक्शन लॉस 1-2 घंटे यूज़ करने के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी तक मुझे 5-6 डेज टेस्टिंग पीरियड में इसका कोई भी इशू देखने को नहीं मिला जो पिंग से रिलेटेड हो या लेटेंसी, कुछ भी इशू नहीं था, इतना मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ। तो अगर मैं फाइनल रिव्यू की बात करूँ तो फाइनल रिव्यू ये है कि N300 मिनी वायरलेस USB वाईफाई अडेप्टर बहुत ही अच्छा है, कोई भी यहाँ पे इश्यूज़ एक भी इश्यूज़ नहीं मिला, ना इसमें एक भी कॉन है। और ड्राइवर की बात करें तो जो TP-Link के वेब पेज पे वेबसाइट पे ड्राइवर है वो TP-Link वालों के, लेकिन जब मैंने डिवाइस मैनेजर से विंडोज़ के डिवाइस मैनेजर से अपडेट किया ड्राइवर तो वो Realtek का हो गया अपडेट होने के बाद और लेटेस्ट वर्जन पे आ गया। जो भी लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप वहीं से परचेज़ करोगे तो चैनल को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, जिसके मदद से मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ अनबॉक्सिंग और वीडियोस भी ला पाऊँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा वाईफाई USB अडैप्टर लेने के सोच रहे हो। और PCI की बात करो तो PCI अडैप्टर ग्राफिक्स कार्ड जो होता है वो मेजर साइज़ ले लेता है मदरबोर्ड का, तो आप PCI मिनी में तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, तो उसकी तो सवाल ही ख़त्म हो गया। तो अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखनी है तो चैनल टेक्निकल गाइड को भी कर लेना सब्सक्राइब। आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।